गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे लेट्स स्टार्ट ए न्यू टॉपिक एक्सपांडेड फॉर। बिफोर स्टार्ट, एट फर्स्ट वी मस्ट नो व्हाट इज एक्सपांडेड फॉर। सो राइटिंग द नंबर, राइटिंग द नंबर्स as the addition of the place value of its digit। तो expanded form निकालने के लिए आपको पहले प्लेस वैल्यू जानना होगा। ओके, सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू निकालना होगा। कैसे प्लेस वैल्यू निकालते हैं, इसका एक वीडियो तो हमने पहले दिया था आप लोगों को। सो लेट्स रिवाइज, लेट अस टेक ए नंबर 2, 4, 3। हाउ मेनी डिजिट स्टूडेंट? Yes, there are 3-digit number 2, 4, 3. So writing this ones place, this 10 place, and this is 100 place. Okay. So finding the place value of the each and every digit, that is 3, 4, and 2. तो पहले आपको ऐसे करना है, उसके बाद नंबर लिखना है। जो नंबर है 3, इसमें क्या है 4, इसमें क्या है 2। आप ध्यान से देखो, 3 के बाद तो कोई नंबर नहीं है, तो 3 होगा वंस प्लेस का नंबर। टेंथ प्लेस को ध्यान से देखो, टेंथ प्लेस में क्या नंबर है बच्चों? 4। 4 के बाद कोई नंबर है इधर? डिजिट है, 3 है। तो जितना भी डिजिट होगा उस नंबर के बाद उतना ही जीरो बिठाना है आपको। तो एक डिजिट है इसलिए एक जीरो बिठा दिया मैंने। 100 प्लस में क्या नंबर है? 2। 2 के बाद कितना डिजिट है? 1, 2। तो 2 जीरो बिठाना है। ओके, तो ये हो गया प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू ऑफ 3, 3, 4, 40 एंड 2 इज 200। नाउ इन तीनों को ऐड करना है। तो 200 प्लस 40 प्लस 3, दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म ऑफ 243। ओके स्टूडेंट, दिस इज द एक्सपांडेड फॉर्म। गो थ्रू द डेफिनेशन। राइटिंग द नंबर, राइटिंग द नंबर एज द एडिशन ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ इट्स डिजिट। एट फर्स्ट आपको नंबर लिखना है, उसका प्लेस वैल्यू निकालना है, उसको एड कर देना है। दिस इज कॉल्ड एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल। Here I give number 195. This is ones place or unit place, this is 10 place, and this is 100 place. Now what is the place value? At first find the place value. Okay, 5, तो 5 का 5 भी होगा, उसके बाद तो कोई digit नहीं है, तो कोई 0 नहीं होगा। 9 का तो 9 लिखना है, उसके बाद एक नंबर है 5, तो इसीलिए एक जीरो होगा। 1 को तो 1 ही लिखना है, उसके बाद कितना डिजिट है? 1, 2, तो 2 नंबर देना है, 2 जीरो देना है, सॉरी। ठीक है, तो हो गया। तो एक्सपांडेड फॉर्म क्या होगा 195 का? 100 प्लस 90 प्लस 5, नीचे से ऊपर तक लिख देना है, नीचे से लेके ऊपर तक जोड़ना है। ठीक है, 100 प्लस 90 प्लस 5, इन दिस वे यू कैन डू द एक्सपांडेड फॉर्म। ओके, नाउ द नंबर 195, इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। इसे कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, और ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म। ओके स्टूडेंट,
ये हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म, ये हो गया एक्सपांडेड फॉर्म।